जनपद में 130 करोड़ रुपए का आयुष्मान कार्ड से इलाज किया जा चुका है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में 4,50,000 परिवार हैं और 20 लाख लोग आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी हैं, जिसमें से 6 लाख लोगों का कार्ड बन चुका है। उन्होंने बताया कि जनपद में 26 राजकीय चिकित्सालय, 165 प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है। अभी तक 130 करोड़ रुपये का लोगों ने इलाज करवा लिया है। इसके लिए जिन लोगों का कार्ड नहीं बना हुआ है, ऐसे से अपील है कि अपना आयुष्मान कार्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बनवा लें या गांव में आयुष्मान मित्र से संपर्क करके बनवा लें। इसमें 1400 बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जिसका इलाज फ्री किया जा रहा है। जिन लोगों का नाम 2011 की जनगणना में है या जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बना हुआ है, ऐसे लोग लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए गोरखपुर जनपद में करीब यहाँ पर हमारे पास 4.5 लाख परिवार हैं और करीब 20 लाख लोग इसके लाभार्थी हैं, और जिसमें से हम 6.25 लाख लोगों का कार्ड बनवा चुके हैं। हमारे यहाँ 26 राजकीय चिकित्सालय और 165 जो हैं प्राइवेट चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए हैं, और अभी तक लगभग 130 करोड़ रुपए का लोगों ने इलाज करवा लिया है। जिन लोगों का कार्ड नहीं बना है, उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि अभी हमने केवल जो है 32-33% लोगों का कार्ड बनाया है, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों के कार्ड छूटे हुए हैं। उन लोगों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग अपना आयुष्मान कार्ड चाहे अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर के बनवा लें, जो हमारे आयुष्मान मित्र हैं उनके जरिए, या जो गाँव में तमाम जगहों पर बनाते हैं कार्ड उनसे बनवा लें, या अपने जो पंचायत सहायक होते हैं उनके जरिए बनवा सकते हैं। सर कितना इसमें कुल हमारे पास लगभग 1400 बीमारियां हैं जिनका इलाज उच्च गुणवत्तापूर्ण होता है, और इसके तहत सभी राजकीय चिकित्सालय और प्रतिष्ठित प्राइवेट चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार किया जाता है। इसकी पात्रता के जो हैं 2011 की जनगणना में जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे उनका नाम सम्मिलित किया गया है, अंत्योदय कार्ड धारकों का नाम है, और इसके साथ साथ जो ई श्रम कार्ड जिन लोगों के बने हुए हैं वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं।